ये जैसे दोस्तों बाजार वाकई में बहुत चहल पहल है और देख सकते हैं। समीम जियो टीवी, समीम जियो टीवी जी। दोस्तों ये रांची का अरमानी बाज़ार है, जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितनी चहल पहल होती है। और यहाँ पे दूर दराज से किसान भाई अपनी बकरियों को लेकर आते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के ब्लैक बंगाल। और यहाँ से दूर दूर तक किसान लोग भी आते हैं, और दूर दूर से बकरी पालन करने वाले जो शौक़ करते हैं वो आते हैं, जो नए फार्मर है वो भी आते हैं इस बाज़ार में। और यह बाज़ार बहुत ही अच्छा बाज़ार है। यहाँ पे यह बाज़ार मंगल और फ्राइडे के दिन लगता है। दोस्तों आप भी इस बाज़ार में आ सकते हैं। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, दोस्तों आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। मैं अल्लाह ताला से हमेशा आप लोग के लिए दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोग से रूबरू होने वाला हूँ। वाकई दोस्त बहुत अच्छा लगा। ईद का जो मौसम चल रहा था, रमज़ान जो चल रहा था, दोस्तों मैं रमज़ान में निकल नहीं पा रहा था, धूप बहुत था, फास्टिंग किया था, इसके लिए मैं निकल नहीं पा रहा था। आप लोग को ईद मुबारक भी देखा दोस्तों, तो लेट से ही आप लोग को ईद मुबारक। दोस्तों मेरे से जितने भी यूट्यूबर फैमिली है, दोस्तों आज नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार अरमानी बाज़ार जाने वाला हूँ, जो सप्ताह में 2 दिन लगता है। ये हज़ारीबाग रोड में लगता है, रांची से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूरी पर है, और रोड के साइड में ही लगता है। दोस्तों ये सप्ताह में 2 दिन लगता है, एक मंगलवार के दिन में और दूसरा फ्राइडे के दिन में। और मंगलवार सबसे बड़ा बाज़ार होता है। इस बाज़ार में लोग किसान भाई किस तरह से अपने ब्लैक बंगाल बकरियों को लेकर आते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ मिनिमम दामों पर मिल जाता है। यदि आप लोग नए फार्मर जो नए फार्म खोलना चाहते हैं, या फिर अपना बकरी पालन में बिजनेस में अपना आजमाना चाहते हैं अपने लक अपने किस्मत, तो आप वहाँ से जाके मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार के आसपास में आप स्टार्ट होता है। दोस्तों वहाँ से आप 10 से 15 हज़ार के बीच में, अच्छे से 10-20 हज़ार के आसपास में आप 7 से 8 बकरियाँ ले आएंगे, जिसके कारण आप अपने फार्म में ला कर रख सकते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से रख रखाव और बेस्ट क्वालिटी के भी होते हैं, जिस तरह से आपको। और फार्म के लिए सबसे बड़ा ये होता है कि उसके लिए एक बकरे का होता है, और बकरे भी वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के चढ़ते हैं अरमानी बाज़ार में। तो आप लोग इससे पहले भी मेरे वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, उसमें अरमानी बाज़ार के बारे में बताया था उससे भी। तो दोस्तों जिस तरह से आप लोग लेना चाहते हैं तो वो सही रहेगा, आप लोग वहाँ से आकर ले सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो कहीं जाएगा मत, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहाँ पे बहुत ही तादाद में ब्लैक बंगाल बकरियों का मेला लगता है, और यहाँ पे दूर से भी लोग आते हैं, व्यापारी लोग भी आते हैं, और किसान भाई लोग जो होते हैं अक्सर वो लेकर आते हैं अपने ब्लैक बंगाल बकरियों को। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। उसका हाँ दाम 7,500 है। 7,500 है, और ये सब काला वाला का खासी है। कितना दाम है उसका? खासी का 5,000। 5,000। अब बकरी नहीं लेके आए हैं? बकरी बकरी हाँ नहीं। तो देख सकते दोस्तों इस बाज़ार में अधिकतर ब्लैक बंगाल खस्सी और बकरे। क्या रेट रखे बाबा? 5,500। और छोटा वाला आपका पीछे जो है 4,500। और छोटा वाला वो दोनों सब एक ही दाम है? बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत छोटा ये सब पार्टी की बकरी, बकरी खासी है, बकरा है, खासी करवाना होगा दोनों का। 4,000 रुपया। 4,000। देखिए वाकई में बहुत बेहद खूबसूरत कलर का है दोस्तों, और मात्र 4,000 रुपये में दोनों। और ये ब्लैक वाला का उसका हाँ उसका 4,500। 4,500 रुपया। दोस्तों देख सकते हैं ये बाज़ार का बेहद ही बेस्ट क्वालिटी का ब्लैक बंगाल खस्सी है, और यहाँ पे किस तरह से किसान भाई लेकर अपनी ब्लैक बंगाल खस्सी और बकरियों को लेकर आते हैं इस बाज़ार पर। और ये बाज़ार सप्ताह में 2 दिन लगता है दोस्तों। बाबा क्या रखेंगे इसका प्राइस? कितना दाम रखे इसका? कितना दाम रखे? दाम कितना रखे हैं? 3,500 रुपया है। देखिए दोस्तों 3,500 रुपया रखा गया है। तो इस बकरे का प्राइस लगभग 7,000 रुपये रखा गया है, और यदि आप लोग आएंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल 7,000 रुपये रखा गया है।
4500 रुपया। ये दोस्तों बकरी है, 4500 रुपये रखा गया है इसका प्राइस। इसका प्राइस कितना रखा भैया? 3000 रुपया। खस्सी की बकरा है, पाठी है, 3000 रुपया। और इसका 3500। बाबा कितना दाम रखे इसका? 25000। कितना केजी का ये? 36। और कितने साल का है ये बकरी खसी? 4 साल का, 25000 रुपया। देख सकते दोस्तों 25000 रुपये रखा गया है, और ये 36 केजी के आसपास मीट निकलेगा, और ये 4 साल का है। वाकई बहुत तैयार, और ये घर का घरेलू है, ब्लैक बंगाल प्रदेहाती वाला। हाँ पूरा तैयार है। तो आज का जो हमारा सफ़र था, किस तरह से मैंने आप लोगों को और मांझी बाज़ार के बारे में बताया, और दोस्तों किस तरह से वहाँ पे कितनी शोर शराबे थे, जिसके कारण से मैं वहाँ पे वीडियो अच्छी तरह से नहीं बना पा रहा था दोस्तों। इसीलिए मैं सोचा क्यों ना इस खुले जंगलों के बीच में जाकर अच्छे वातावरण, शुद्ध वातावरण के बीच में आप लोगों से मुखातिब हूँ, अच्छे से बात करूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को और मांझी बाज़ार के बारे में बताया कि वहाँ पे जो किसान भाई होते हैं हमारे, जो वो किस तरह से अपने ब्लैक बंगाल लेकर आते हैं, और यह बाज़ार कितना भीड़ भाड़ था, और ये सुबह 7 बजे से लगना चालू होता है दोस्तों, और शाम के 6 बजे तक रहता है दोस्तों। वहाँ पे बहुत ही तादाद में भीड़ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं इस बाज़ार में, किसान हो या व्यापार हो या जो आम लोग होते हैं घर में बकरी पालने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ब्लैक बंगाल के जो शौकीन होते हैं दोस्तों, वो लोग इस बाज़ार में आते हैं और अपने बकरियों को और अपने बेचते भी हैं, और दोस्तों ख़रीदारी भी होती है यहाँ पे, दोनों चीज़ होता है, जिसके कारण से लोग अच्छे मुनाफे में भी लेकर आते हैं दोस्तों। और नए जो फार्मर है जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, जो बहुत से लोग मुझे कॉल करते, समीम भाई मुझे ब्लैक बंगाल के बारे में बताइए, ब्लैक बंगाल बकरी कहाँ पे सस्ते दामों पर मिलेगा, तो ये भी एक बाज़ार है दोस्तों, जहाँ से आप लोग सस्ते दामों पर ब्लैक बंगाल ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक बार जोना बाज़ार भी आप लोग को विज़िट करना चाहिए, जोना बाज़ार भी अच्छा है, जलटंडा बाज़ार, ऐसे ऐसे अनोखे बाज़ार में आप लोग जाना चाहिए, जहाँ पर बहुत ही अच्छे सस्ते दामों पर ब्लैक बंगाल बकरियाँ आप लोग को 30000 में आपका एक अच्छा सा फार्म खुल जाए, जिसके कारण से आप अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। और ये साल में 2 बार बच्चे देती है दोस्तों ब्लैक बंगाल, और ये तेज़ी से फैलता है, बढ़ता है ब्लैक बंगाल, इससे बेस्ट क्वालिटी की होती है, इससे बीमारी वमारी भी नहीं होता, जिसके कारण से आपको अच्छे तरीके से पालने में कोई भी दिक्कत कोई भी नहीं होगा। ये कोई भी क्लाइमेट सेट हो जाता है, जिससे कि आपको कम दाम में अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो ये आपका जो आज का हमारा वीडियो था, किस तरह से यहाँ पर आपको स्टार्टिंग था 2500 से लेकर 2000 से लेकर 5000 6000 7000 के आसपास ब्लैक बंगाल था। तो आज का जो सफ़र था दोस्तों हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं इसे ही नए वीडियो के साथ, तक तब आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे दोस्तों।